स्वर्ग दूतों के समूह अब आनंद मनाई, दिव्य प्राणी हर्ष से नाच उठे और इस महान राजा की विजय घोषणा में मंगल तुर ही बज उठे। पृथ्वी भी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। माता कलीसिया भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से यह मंदिर गूंज उठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी, प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है, यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का उत्स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले उन्होंने शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया। और अपने पवित्र लोहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। यही वास्तविक पास का महोत्सव है जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्तों के हृदय द्वार पवित्र किए जाते हैं। इसी रात को हे ईश्वर तूने हमारे पूर्वजों याकूब की संतान को मिस्र से निकालकर सूखे पांव लाल समुद्र पार कराया। इसी रात को ज्योतिर्मय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। इसी रात को सारी पृथ्वी के ख्रीस्त भक्त संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकलकर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इसी रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयमान ख्रीस्त कब्र से निकले। आहा, अपूर्व है हमारे प्रति तेरी दया प्रेम। दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल ख्रीस्त की मृत्यु से नष्ट हो सका। धन्य है वह दोष जिसे मिटाने के लिए हमें ऐसे मुक्तिदाता मिले हैं। यह पवित्र रात बुराई को भगाती, पाप को धो डालती, पतितों को उठाती और दुखियों को फिर सुखी बनाती है।
यह रात सचमुच मंगलमय है, जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाता है। इसलिए हे पावन पिता, इस पुण्य रात्रि के आधार में यह संध्या वंदना स्वीकार कर, जिसे पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती के समारोह द्वारा अपने याजकों के साथ तुझे चढ़ा रही है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे आदर में प्रतिष्ठित यह मोमबत्ती इस रात का अंधकार भगाने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधुर सुगंध सी तुझे प्रिय लगे, इसका प्रकाश तारों के प्रकाश से जा मिले। प्रभात का तारा इसे जलता पाए, वह तारा जो कभी अस्त नहीं होगा। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरे पुत्र, जो अधोलोक से लौटकर मनुष्यों पर अपना प्रशांत प्रकाश फैलाते तथा युगान युग जीते और राज्य करते हैं।